हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मिलिट्री बेस से प्लेन चोरी। तो देखते हैं गाइस, हम प्लेन चोरी कर पाएंगे या नहीं। जो फाइटर जेट होता है F-16 मिलिट्री का, हम आज वो चुराने आए। तो देखते हैं गाइस कि क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सूरत है। गार्ड खड़ा है, तो हम इस गार्ड से पूछते हैं कि ये हमें मिलिट्री बेस में एंट्री देगा या नहीं। तो देखते हैं, इसको हॉर्न देता हूँ। तो बोलिए, ओ भाई, कि मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। तो अब हम चलते हैं पीछे और अब हम घुसते हैं सीधा मिलिट्री बेस में, इसकी इजाज़त के बाहर। तो भाई देख सकते हैं आप लोग कि 4-स्टार पुलिस तो लग चुकी है। तो अब यहाँ पर हम मचाने आ रहे हैं थोड़ी सी तबाही। तो हमने ये बॉम्ब फेंक दिया है, देखते हैं अभी। तो ये फिर हम लोग आए, रन देते हमें दिखाएंगे जो हम चुराने आए इनका F-16। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं मिलता है हमें F-16 के नहीं। और दूसरी बात, ये हम यहाँ से चुरा पाएंगे भी कि नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि ये इनके प्लेन्स जा रहे हैं ऊपर से। मैं लगाना चाह रहा था, मगर ऑब्वियसली प्लेन बहुत ऊपर है, तो प्लेन नहीं लगा पाए हम। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने प्लेन की तरफ। ये मैं बॉम्ब फेंक रहा हूँ ताकि मैं पीछे से बॉम्ब फाड़ सकूँ अगर इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आएँ, मगर अभी तक तो कोई गाड़ियाँ टैंक्स आई नहीं इनकी। तो देखते हैं, अभी चलते हैं, टैंक्स वगैरह इनकी आती है, या हम आसानी से ले जा पाएंगे। प्लेन के करीब चलते हैं, मैं देखता हूँ ये वाली जो प्लेन है अगर ये खुल जाए, हम गाड़ी से अपनी लोड कर लें, तो हम अपनी फरारी भी ले जाएंगे और यहाँ से प्लेन भी चला लेंगे। तो देखते हैं गाइस कि इसका खुलता है कि नहीं। तो मैं गाड़ी करीब लेकर जाता हूँ, फिर देखते हैं करवाना होगा ये नहीं करेगा। तो अब हम इनका F-16 ही चलाएंगे, जो हमारा प्लान था, जिस वजह से हम आए। ये मैंने कर दी अपनी फरारी पार, अब मैं बैठने आ रहा हूँ प्लेन में। तो देखते हैं, वैसे तो टैंक भी आ चुका है और इधर इतना ट्रैक भी नहीं है कि मैं प्लेन उड़ा सकूँ, तो ट्राई करते हैं। तो प्लेन स्टार्ट कर तो लिया मैंने, ये ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि इसने रॉकेट मारना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा रिवर्स किया और अब फिर से ट्राई देते, मगर नहीं पाए, उसने फाड़ दिया मेरा प्लेन। इसी तरह मुझे इन टैंक से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना इसमें ये मेरा प्लेन फाड़ते रहेंगे बार बार, ये मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैंने अपने निकाल लिए अपनी मशीन गन और अब मैं फाड़ूंगा इनके टैंक। मैंने टैंक पर फायर शुरू तो कर दी है, देखते हैं कि टैंक तो कम हो गई है, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, तो पैदल चलते हैं या गाड़ी देखते हैं। मगर वो सामने प्लेन दिख चुका है मुझे, तो मैं अब उसी प्लेन को चुराऊँगा ताकि मुझे एक रनवे भी मिल जाए, क्योंकि ये F-16 है, इसको इतना बड़ा रनवे की ज़रूरत नहीं होती, छोटा सा भी रनवे मिल जाए तो हम प्लेन उड़ा लेंगे। मगर ट्राई करते हैं कि टैंक्स वगैरह आके फाड़ तो नहीं देंगे, मगर अभी तो टैंक्स करीब में है नहीं। तो जल्दी से मैं बैठता हूँ उसमें और मैं उसको उड़ा के अपने एयरपोर्ट ले जाऊँगा, जहाँ पर हमारा एयरपोर्ट का गैराज है, वहीं से अगर रॉकेट आना शुरू हो चुके हैं मेरे ऊपर, मगर मैं डिफेंड कर चुका हूँ मेरे और उसे गेट नहीं। देखते हैं अब मिसाइल से बचना है, क्योंकि एक मिसाइल से तो बच चुका हूँ, बच गया लगते लगते, वरना प्लेन फट जाता। दूसरे मिसाइल आ रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने टॉर्च दे दिया, पुलिस भी हट गई है। अब मुझे लग रहा है कि मैं ले जाऊँगा ईजीली, क्योंकि अब हमारे बच्चे में F-16 है नहीं। तो जल्दी से देखते हैं कि गाइस को मैं पहुँचा पाऊँगा कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस प्लेन को बचा के लेकर आ चुका हूँ अपने एयरपोर्ट पे। तो अब हम इसको लैंड करवाते हैं, मुझे डर लग रहा है पानी में भेजे, बट आपका भाई एक्सपर्ट है, लैंड करवाइएगा। देखते हैं इसी लैंड होगा भी कि नहीं। वो भाई साहब, ये तो जम्बो जेट आ रहा है, इसको आगे मैंने हमारे पीछे लग गई फिर से पुलिस। अब हम पहले लैंड कराते हैं और फिर पुलिस से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ईजीली लैंड करवा लिया है। अगर भाई बहुत स्पीड है तो थोड़ी दिक्कत होगी हमें लैंड करवाने में, बट मैंने इसको लैंड करवा ही लिया है। फाइनली स्पीड अच्छी हो चुकी है, अब मुझे इसको करना है पार्क, कैसे भी करके मुझे इसको पार्क करना है, इससे पहले कि पुलिस आके फाड़ दे। तो चलते हैं अंदर पार्किंग में अपने गैराज में, फिर निपटेंगे हम पुलिस को। भाई आप देख सकते हैं मैं इसको अपने गैराज में तो ले ही आया हूँ, बस अब पार्किंग करनी है और फिर पुलिस वालों को बताना है। ये हेलीकॉप्टर अंदर लेकर आ रहा है भाई, इतना आप देख सकते हैं कि इतना हेलीकॉप्टर लेकर भी अंदर आ गया, इतना जज्बाती हो गया ये, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मिलिट्री का प्लेन चला दिया है और पूरे
प्रेस में हमारी खबर चल चुकी है कि एक मिलिट्री से प्लेन गायब हो चुका है, प्लेन चोरी कर लिया है किसी ने, तो इसलिए पुलिस रेड अलर्ट है, हमारे पीछे आ गई है। बट एक बार मैंने प्लेन यहाँ पर पार्क कर लिया तो मसला ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने प्लेन में, क्योंकि ये तो हमारा अपना प्राइवेट प्लेन है, इसमें चलते हैं ताकि उनको इतना शक ना हो और हम पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको उड़ाता हूँ मैं भाई, ये प्लेन ऑब्वियसली उस प्लेन से ज़्यादा अच्छा है, मतलब मिलिट्री का प्लेन तो चढ़ाने का मन किया तो चढ़ा लिया हमने। फिर बहुत फायरिंग कर रहे हैं उसको पुलिस वाले, बट मैंने तो जैसे कि आप लोगों को पता है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट सब पहन रखा है, तो इसलिए मुझे लोग मार तो पाएंगे नहीं, तो फ़ायदा नहीं की फायरिंग। चलते हैं देखते हैं कि हम पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रेस तो नाम ही नहीं ले रही चलने का, इसलिए मैं अपना वापसी लिया है अपने दिमाग में और हम इसको पार्क कर देते हैं। फिर देखते हैं जो हमारा मेन मिशन था कि मिलिट्री से गेम चुराने का F-16 का, वो तो खैर हमने चुरा चुके हैं। देखते हैं अभी करता हूँ, वो भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत का वही चला गया। तो खैर गाइस हमने प्लेन से उतर चुका हूँ, हम करते हैं पुलिस के साथ थोड़ी तफरी। बट होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।